का तो जो डिस्कशन प्रीव्यू रहेगा ये व्हाई हाउ एंड व्हाट इसके ऊपर ज्यादा रहेगा और सबसे बड़ा जो फोकस है मैं आज वाई के ऊपर दे रहा हूँ क्लियर है तो आगे का जो व्हाट और हाउ जो है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है तो व्हाई क्लियर करना फ्रेंड्स बहुत जरूरी है हम लोग जो है डेफिनेशन एक्जेक्टली exactly क्या है तो हाई क्लास यानी इनका जो इनकम है दिस इनकम इज फ्रॉम वन मिलियन टू वन बिलियन डॉलर वन मिलियन टू वन बिलियन डॉलर और अगर उससे कम है आपका लो क्लास कैसा जिसको दो वक्त का परसेंट लोग ऐसे जिनको एक वक्त का खाना मिलता है सो दैट दैट कम्स अंडर लो क्लास क्लास बट वी वी ऑल आर आर लकी इन मिडिल लेकिन हमको जो जम्प लेना है फ्रॉम मिडिल टू हाई तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये प्लेटफॉर्म को हमको समझना बहुत डीप में जरूरी है क्योंकि यही जो प्लेटफॉर्म है ये मिडिल टू हाई में हमको जम्प करके देगा फ्रेंड्स हाई क्लास का मतलब है जस्ट समझ के लो अब इसमें काफी स्लाइड जैसा मैंने बताया आपको नए स्लाइड्स है तो ये समझ के लो हाई क्लास में कुछ पांच टक्के दस टक्के लोग ऐसे रह गए जिनको वन बिलियन डॉलर्स तक ये कॉन्सेप्ट से पहुंच सकते हैं और इसके आगे आप देखेंगे तो इसमें कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जिसको बोलते हैं प्रीमियम क्लास अभी ये प्रीमियम क्लास के लोग कौन है फ्रेंड्स ये जो लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया लास्ट हो गया इंटरनेट आने के बाद इंटरनेट गूगल आ, आ गया ये सारे जो लोग है ये सारे जो इंडस्ट्री है ये इंडस्ट्री का अगर आप देखेंगे तो इनके जो भी फाउंडर्स है पाइनियर्स है दिस पीपल है सो दिस कम्स इन हाईएस्ट कैटेगरी दैट इज प्रीमियम क्लास एंड द कैटेगरी इज पॉइंट जीरो तो इसमें से काफी लोग ऐसे रह गए जो वन मिलियन डॉलर पे जाएंगे काफी लोग ऐसे रह गए जो वन बिलियन पे भी जा सकते हैं और काफी लोग ऐसे रह गए रियली जो पॉइंटी टू हंड्रेड बिलियन को टच कर सकते हैं फ्रेंड्स ये कॉन्सेप्ट आज आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं जुकरबर्ग का नाम है तो इन लोग आप देखेंगे इनका जो है इनका सिर्फ अमाउंट देखो आप इट इज नाइन्टी बिलियन डॉलर एटीन बिलियन डॉलर सेवेंटी टू बिलियन डॉलर सिक्सटी बराबर है हमको भी वही चीज है लेकिन एक समझ के लोग ये पीपल जो है ये पॉइंट कैटेगरी के ऊपर चले गए और ये जो लोग है ये आज फिफ्टी बिलियन हंड्रेड बिलियन डॉलर के ऊपर चले गए तो कुछ ना कुछ तो चीजें है कुछ ना कुछ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो टेक्नोलॉजी को इन लोगों ने पकड़ के ये जंप मारा है फ्रेंड्स तो वही टेक्नोलॉजी जो है हम हम आज पूरा जो है डीप के अंदर ये समझेंगे अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है टाइम कितना है फ्रेंड्स इन लोगों के पास इनको कोई भगवान ने 25 घंटा नहीं दिया है 24 घंटा दिया थर्टी के अंदर और हम लोग जो है वो हम लोग आज लाख महीने के कमा रहे पचास लाख महीने के कमा रहे हमारी कैटेगरी है हम लोग ये कैटेगरी में क्यों है और ये जो है ये तो ये बिलियंस में क्यों गए फ्रेंड्स तो को समझना बहुत जरूरी है कि 97 परसेंट से हमको अगर थ्री परसेंट में जाना है तो 97 परसेंट में है क्या और थ्री परसेंट में है क्या ये डीप समझना बहुत जरूरी है जैसा अः uh, नाइनटी में हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी में है हम लोग जो है या तो हमारे पास जॉब है या तो हम लोग जॉब ओन करते हैं आदर वी आर एम्प्लॉय और वी आर सेल्फ एम्प्लॉय हम लोग देखेंगे हमने अपने आप को अगर पूरा अगर इन्वेस्टिगेट किया कि हम लोग एग्जेक्टली exactly कौन से कैटेगरी में तो ये हम ये दो ही कैटेगरी में दिखेगा हम लोग बराबर है तो इसके अंदर टाइम इज इक्वल टू मनी देर इज नो टाइम लिवरेज देर इज लिमिटेड कि हमको जो 24 घंटा मिला है तो हमको यही चीज सिखाई गई है और आज तक कॉलेज में भी यही चीज सिखाई जाती है कि तुम्हारा टाइम को यूज करके तुम उसको मनी में कैसा कन्वर्ट कर सकते अगर आठ घंटा तुम्हारे पास अगर टाइम देते हो तुम अगर पचास हजार रुपये कमाते हो तुम अगर सोलह घंटा काम करेंगे तो आप एक लाख रुपए कमाएंगे तो यही चीजें सिखाती है, सिखाई जाती है लेकिन ये चीजें बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती है कि हम लोग लेफ्ट साइड से राइट right साइड पे कैसे कन्वर्ट करें फ्रेंड्स राइट साइड में क्या है राइट साइड में यू ओन अस्टम एक सिस्टम है जो आपके लिए काम करता है अंबानी के पास ही बिजनेस ओनर बराबर उनके पास एक सिस्टम है वो चाहे उतना प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट बना सकते हैं प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिकॉज़ उनके पास सिस्टम है फ्रेंड्स बराबर तो ये जो है ये आज राइट right कॉर्डर में जाने के वजह से उनके पास चार चीजें फ्रेंड्स टाइम मल्टीप्लीकेशन है टाइम लिवरेज है एंड दे है आज हम लोग का जो टाइम है ये पूरा के पूरा टाइम आज पूरा काम करने के अंदर या जो भी चीजें है सेल्फ एम्प्लॉय हम लोग जब तक हम लोग काम करेंगे तब तक हम लोग जीतेगे जिस दिन ये एग्जाम्पल मैंने खुद ने देखा है जब लास्ट ईयर जो है जब कोरोना के रिलेटेड जब प्रॉब्लम मैंने देखे अच्छे अच्छे क्लास मैंने देखे जिन्होंने जो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया महीने का कमाते हैं बराबर है जब वो एक महीना डेढ़ महीना जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तब उनकी क्या हालत हुई और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन क्या हुआ ये मैंने आंखों से देखा है फ्रेंड्स तो ये समझ के लोग कि कितना भी आज हम लोग कमा रहे तो हमको अपने आप को पहला आइडेंटिफाई करना है वेदर वी आर इन लेफ्ट और राइट और दूसरा अगर लेफ्ट में है अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि आर वी रेडी टू गो फॉर राइट अगर तुम्हारे अंदर से वो आवाज आएगी ना यस तो ही चीज आगे बढ़ेगी नहीं तो फ्रेंड्स आगे नहीं बढ़ेगी तो 97 से 3 परसेंट में जाने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें हैं वो टाइम लिवरेज है वो टाइम फ्रीडम है वो अनलिमिटेड मनी है, है वो सारी चीजें फ्रेंड्स पे और सबसे बड़ा जो है हम जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं या हमको जो प्रॉब्लम्स है और हम लोग जो थ्री परसेंट में नहीं आ पा रहे उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो रीजन ये है जब आपको थ्री परसेंट लोगों की तरह बनना है तो नाइन्टी सेवन परसेंट लोगों को फॉलो क्यों करते हो हम जो क्वेश्चन से कभी बातें नहीं करती है अगर तुमने अगर कोई व्हाट्सएप बीच में एक मैसेज भी आया था कि लास्ट थ्री इयर्स जिन पांच लोगों के साथ में आप हो जिन पांच लोगों के साथ में उनका एवरेज इनकम आपका है अभी आप ये नेक्स्ट थ्री ईयर्स के लिए अप्लाई करो अभी नेक्स्ट थ्री इयर्स के अंदर किन पांच लोगों के साथ में आप रहना चाहोगे जो आपको एवरेज इनकम आपको बना के देगा। 97 या 3%. तो आज जो है काफी लोग ऐसे हैं जो 3% परसेंट कैटेगरी के अंदर मैं तो बोलता कैटेगरी के अंदर जा रही है, है तो किसके साथ में आपको रहना है किसके साथ में आपको बात करना है वो आपको डिसाइड करना है तो सबसे बड़ी गलती हम लोग करते हैं हम लोग नाइन्टी के लोगों को ही फॉलो करते हैं इसके लिए हम लोग नाइन्टी कैटेगरी में तो आज ये डिसीजन हमको लेना है वी हैव टू फॉलो ओनली थ्री कैटेगरी पीपल ठीक है यू हैव टू आइडेंटिफाई और वो पांच लोगों के साथ में बैठना चालू करो नेक्स्ट थ्री एंड सी योर इनकम नेक्स्ट थ्री इयर्स में आप कहां पे जम मार सकते तो ये लेफ्ट और राइट का जो मैं कॉम्बिनेशन आपको बोल रहा हूं लेफ्ट और राइट का जो सबसे बड़ा जो जंप आपको जो मैं बोल रहा हूं फ्रेंड्स तो ये जो चीज है आई एक ऐसा सिस्टम है जो मैं आई के बारे में काफी डिटेल में आपको आगे बताऊंगा एक ऐसा सिस्टम है जो आपके लिए काम करेगा जो ऑलरेडी बन चुका है ठीक है आपको कोई सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है ए एक ऐसा सिस्टम है जहां पे पैसा आपके लिए काम करेगा तो जो दो चीज हमको चाहिए थी राइट साइड में जाने के लिए एक ऐसा सिस्टम चाहिए था और ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए था कि जहां पे पैसा हमारे लिए काम कर रहा है जहां पे सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है ये दोनों भी सिस्टम फ्रेंड्स आज हमारे पास है नाव अगर सिर्फ ये सिस्टम को ज्वाइन भी कर लिया हमने और प्रॉपरली इसका अगर एजुकेशन लिया तो तुम थ्री कैटेगरी के अंदर फ्रेंड्स आ गए लेकिन एक गलती बिल्कुल नहीं करना थ्री परसेंट कैटेगरी के अंदर आने के बाद में कभी भी नाइनटी सेवन परसेंट को जो है उसको अलग रखना है और थ्री परसेंट लोगों के साथ में अपनी जो है अपनी बातचीत और अपना जो है सारा पूरा बिहेवियर वो थ्री परसेंट कैटेगरी लोगों के साथ में बढ़ाओ चेंज करो एंड सी हाउ द सिस्टम विल वर्क फॉर यू फ्रेंड्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन है आई यू रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन पहली बात अपने आप से ये क्वेश्चन करो यस आई एम रेडी और आई एम नॉट रेडी ठीक है सेकंड क्वेश्चन आपने आपसे ये पूछो आई यू रेडी टू चेंज योर लाइफ थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछो आई यू रेडी टू गेट योर सेल्फ एजुकेटेड इसके पीछे एक ही चीज है वो है एजुकेशन जो एजुकेशन आज तक हमको कोई यूनिवर्सिटी में नहीं मिला ना कोई कॉलेज में मिला है बराबर ये एजुकेशन जो है हमको इसमें मिलेगा आगे के नेक्स्ट 60 मिनट्स के अंदर तो ये नेक्स्ट 60 मिनट्स में चेंज योर लाइफ फ्रेंड्स तो अपना अगर ये तीनों आंसर जो है वो येस yes है तो डेफिनेटली यू हैव सबसे पहला 3 है तो कम्फर्ट जोन के अंदर जिधर भी आप होना वहां पर आपको बहुत लगता है पहला वहां से निकलो बराबर है सेकंड है जैसा ही आप वहां से निकलेंगे तो फियर जोन सामने आएगा आपको एक्सक्यूजेस मिलेगा एक्सक्यूजेस देना है कि नहीं देना है क्योंकि आज के लिए भी काफी लोगों को एक्सक्यूजेस था सर अभी दिवाली आ रही है मेरा चार दिन फैमिली के साथ में है तो ये भी एक्सक्यूजेस था तो ऐसे लोग आज जो आज आज जो हजार लोग आज साथ में सोचकर देखो सिक्सटीन हंड्रेड पीपल आज ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए रेडी थे तो आज वो उन्होंने फियर जोन ऑलरेडी तोड़ दिया है फ्रेंड्स जब फियर जोन टूटता है ना फ्रेंड्स तब लर्निंग जोन आता है और लर्निंग जोन के अंदर आपको चैलेंजेस प्रॉब्लम को कैसा फेस करना है कैसा आगे बात करना है तो वो चीजें आती, आती है और उसके बाद ग्रोथ जोन वो वो सुनहरा सपना है आपका वो सुनहरा ड्रीम है आपका जो कभी आपने देखा था कभी सोचा था लेकिन हम लोग नहीं पहुंच पाए क्योंकि हम लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही नहीं पाए तो आज है आज का वो टाइम है आज का जो सिक्सटी मिनट है आपको जो है वो आपको ये चीज ये जनरेशन के अंदर आपको लेके जाएगा अभी ये जो चीज है जैसा मैंने आपको बताया कंफर्ट जोन से अगर ग्रोथ जोन से आपको जाना है तो पहला एक थम रूल याद रखो आपको कि यू हैव टू इन्वेस्ट इन एजुकेशन ये बात कभी भी याद रखो अगर तुमको सच में आगे बढ़ना है क्योंकि देखो फ्रेंड्स कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जैसा मैंने आपको बताया कोई आके आपको सिखाए कोई थ्री परसेंट कैटेगरी के लोग या कोई अनिल अंबानी आपको या मुकेश अंबानी आके आपको ये नहीं बताएगा या कोई भी जो मल्टी मिलियनर है वो आपको ये नहीं बताएगा कि मैं कैसा मल्टी मिलियनर बनाए ये फ्रेंड्स यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको ये बता देगा कि किस तरह से करना है तो एक बात याद रखो कि जो भी जो भी आपका सेविंग होता है तो पहला फॉर्मूला जो है इसके अंदर ये याद रखो कि अभी जैसे आपका एक साल हो गया जैसे हमारा जो साल होता है मार्च से अप्रैल तक होता है तो जितना भी आपका जो अमाउंट है उसका ट्वेंटी परसेंट फ्रेंड्स बाजू में निकालो ठीक है सच में आपको अगर बढ़ना है तो ट्वेंटी परसेंट बाजू में निकालो और ट्वेंटी यूज करो एजुकेशन के लिए ठीक है क्योंकि लोग जो आगे गए हैं एक बात याद रखो जो टेक्नोलॉजी में काम किए वो आगे गए और टेक्नोलॉजी सिर्फ ऐसे ही किधर भी आईडी लगाने से किधर भी ज्वाइन करने से टेक्नोलॉजी इमीडिएटली इनबिल्ट नहीं होती है वो कोई सॉफ्टवेयर नहीं है कि जैसे आपने पैसा दे दिया और सॉफ्टवेयर आपके अंदर तो आपको जो है ट्वेंटी ऑफ योर फंड यू हैव टू कीप इट असाइड फॉर योर एजुकेशन जैसा उसके अंदर मैंने बाकी ये सब चीज मैंने डीप में बाकी के मेरे सेशंस में ऑलरेडी बताया है कि जैसा आपका जो ट्वेंटी परसेंट है वो आपको एफडी में क्यों यूज करना है ट्वेंटी परसेंट जो है पीपीएफ में क्यों डालना है ट्वेंटी परसेंट जो आपका प्रेजेंट है उसको इंक्रीज करने के लिए कैसा डालना है ट्वेंटी परसेंट आपको पर्सनल चाहिए जो आपको जो है आपका सेल्फ अपग्रेडेशन हो गया टूर्स हो गया मेडिक्लेम हो गया इंश्योरेंस हो गया उसके अंदर डालना है लेकिन फ्रेंड्स ट्वेंटी यू हैव टू कीप इट फॉर योर एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी और अगर ये आपने बाजू में निकाल लिया तो आपका ये याद रखो चाहे आपका ड्रीम हाउस हो चाहे ड्रीम कार हो कितनी भी बड़ी आपकी सोच हो वो सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो गई ट्वेंटी परसेंट आपका अगर आपके पास हो तो जैसा मैंने फॉर्मूलाइंटी सेवन से थ्री है तो ट्वेंटी का फॉर्मुला जो है वो याद रखो फ्रेंड्स तो जैसा मैंने बताया आपको फ्यूचर टू इंक्रीज एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी ये फॉर्मूला जो है ये लाइफ लॉन्ग आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर डालो बराबर है अगर ये चीज आपके पास है तो आपको मल्टी मिलियनियर मल्टी बिलियनर होने के लिए थ्री परसेंट के लिए कोई भी रोक नहीं सकता है और अगर सच में आप में पावर है तो आप पॉइंट जीरो वन परसेंट में भी फ्रेंड्स जा सकते तो ये जो एजुकेशन इन टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी ये सब चीजें मैं बता रहा हूं तो ये फ्रेंड्स है क्या तीस साल हो गए इंटरनेट को आके तीस बत्तीस साल हो गए कुछ स्टार्टेड विद गूगल हमको जैसे शुरू में गूगल से हमको मालूम पड़ा फिर सोशल मीडिया आ गया फिर रेवेन्यू शेयरिंग प्लेटफॉर्म आ गया सोशल मीडिया में जैसा फेसबुक आ गया व्हाट्सएप आ गया फिर रेवेन्यू शेयरिंग प्लेटफॉर्म आ गया उबेर आ गया ओला आ गया एयरबीएनबी आ गया ओ होटल्स आ गए फिर ऑनलाइन मार्केटिंग सेल्स आ गए अमेजॉन आ गया अलीबाबा आ गया फ्लिपकार्ट आ गया तो ये सारी चीजें हमने अपने आंखों से देखी है फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपके लिए है कि इसके अंदर आप पार्टनर किस किस चीजों में है फेसबुक में हो व्हाट्सएप पे हो Uber में हो उबा में हो में में हो Alibaba में हो फ्रेंड्स लेकिन ये आप देखेंगे कि ये सारे एप्स हमारे मोबाइल के अंदर थ्री परसेंट लोग जो है वो नाइन्टी सेवन परसेंट नाइनटी सेवन परसेंट के अंदर है क्योंकि ये ऐप चलाने वाले थ्री परसेंट के अंदर है friends. तो अभी थ्री परसेंट के अंदर जाना है तो इनका जो थॉट प्रोसेस है वो सोच के देखो कि एक मिनट

197.6 ईमेल सेंट 196.6 197.6 मिलियंस 2 मिलियन स्वाइप्स ये सारे मिलियंस में फ्रेंड्स 2 मिलियन व्यूज ये मैं एक मिनट की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स इसके अंदर जस्ट सोच के देखो रेवेन्यू जनरेशन क्या है वो इंटरनेट के अंदर तो नाउ यू हैव टू लर्न दिस टेक्नोलॉजी यू हैव टू लर्न इंटरनेट यू हैव टू लर्न कि आगे का जो भी एडवांसेस है वो तो जैसा मैंने बताया आपको टेक्नोलॉजी अगर सीखनी है तो जैसा मैंने बताया फर्स्ट टेक्नोलॉजी क्या हो गया ई e कॉमर्स आया Amazon आया Alibaba आया eBay आया तो वो बोलते बोलते ये नेक्स्ट डाउन द लाइन टू ट्रिलियन डॉलर पे फ्रेंड्स पहुंच गया बराबर है सोशल मीडिया आया फेसबुक हमारे सामने की बात है बराबर है सारे लोगों के पास ऐप user, है इनका 2.5 मिलियन यूजर बिलियन यूजर्स है यानी ऑलमोस्ट 250 फिफ्टी ठीक है और ये इंडस्ट्री हो गई 100 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री ऑलरेडी हो गई फ्रेंड्स

आज जो हम लोग सीखने वाले फ्रेंड्स आज हम लोग वी विल बी लर्निंग वी विल बी एजुकेटिंग आर सेल्फ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फोर टेक्नोलॉजी आज जो मैं प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ ये ई e कॉमर्स भी है ये सोशल मीडिया भी है ये रेवेन्यू शेयरिंग भी है ये रोबोटिक भी है ये चारों टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके एक ऐसी टेक्नोलॉजी आपके सामने लेके आएंगे तो वो अगर आपने अगर पूरा सीख लिया मैं जैसा इसको डे वन से इसको मैंने ना इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ना कुछ मैंने मैं लोगों को एक ही चीज बता रहा हूँ दिस इज एन एजुकेशन लर्न इट दिस इज एन एजुकेशन ठीक है और यही चीज आपने अगर प्रोपोगा किया तो सी वॉट विल हैपन इन फ्यूचर ये चीज सीखने के लिए टेक्नोलॉजी सीखने के लिए हम लोग को थोड़ा सा जो है ना वो पीछे जाना पड़ेगा पीछे जाना पड़ेगा यानी अगर आप सेल्स अगर सीखते हो फ्रेंड सेल्स एक ऐसा चैप्टर है कि लोग तीन तीन चार चार लाख रुपए जो है वो फीस भरते हैं सेल्स सीखने के लिए तीन तीन महीने की ट्रेनिंग होती है बराबर है सेल्स इज एन आर्ट वेर यू कैन डिसाइड योर इनकम जब मैंने भी ये चीज सीखी थी ठीक है सर मेरा जो है मेरा प्रोफेशन डॉक्टर का है लेकिन वी ऑल्सो नीड सेल्स क्योंकि जो मशीन अगर मेरे पास कुछ नहीं आती है या जो भी चीजें नई टेक्नोलॉजी मेरे पास आती है तो वो टेक्नोलॉजी अगर मुझे लोगों को बतानी है तो मुझे भी ये ये सेल्स सीखना है तो आई और जब मैंने ये सीखा था तब मेरे को यही चीज सिखाई गई थी इट्स एन आर्ट ठीक है यू कैन डिसाइड योर इनकम इट्स लाइक अ ब्लैंक चेक अगर आप देखेंगे ये पेन है ये चेक है आपके पास बराबर ये चेक के ऊपर आपको लिखना है कि आपको ये मंथली इनकम कितना चाहिए फ्रेंड्स तो इट्स लाइक अ ब्लैंक चेक तो ये सेल्स है फ्रेंड्स ये जितना चाहिए उतना लिख सकते हो आप तो ये अगर आपने सीख लिया तो यू कैन गो इन मल्टीपल्स ये सेल्स है मैं पहले की बात कर रहा हूं अभी की नहीं लेकिन सेल्स में प्रॉब्लम क्या है ठीक है इट्स अ ब्लैंक चेक हंड्रेड परसेंट इसके अंदर ऐसा है कि जितना पैसा आप चाहो आप उसके अंदर कमा सकते हो लेकिन आज जो है उसके लिए तुमको कितना स्टडी करना पड़ता है कितना डीप जाना पड़ता है आपको एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड काम करना पड़ेगा आपको ब्रांडिंग के रिलेटेड काम करना पड़ेगा आपको सेल्स प्रमोशन के रिलेटेड काम करना पड़ेगा आपको डायरेक्ट मार्केटिंग के रिलेटेड काम करना पड़ेगा आपको आपके टीम के साथ में बैठ के स्ट्रेटेजी बनना पड़ेगा आपको आपके साथ में टीम के साथ में बैठ के प्रोडक्ट प्लेसमेंट जो है वो डिजाइन करना पड़ेगा पब्लिसिटी के ऊपर काम करना पड़ेगा प्राइसिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा तब जाके आप इसके अंदर आगे बढ़ सकते हो फ्रेंड्स और जैसा मैंने बताया कि जैसा अभी आगे का जो सेल्स आप देख रहे हो जो इंटरनेट रिलेटेड है बराबर है उसके लिए ये सारी चीज की पढ़ाई आपको करने पड़ेगी फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया यू शुड हैव अ विजन यू शुड हैव अ मिशन बराबर है कॉर्पोरेट के पास में आप कैसा जा सकते हैं वॉट इज एनालिसिस ये सिखाया जाता है स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है तो ये सारी चीजें जो है वो सेल्स के अंदर फ्रेंड्स सिखाई जाती है मार्केटिंग बिजनेस प्लास्ट 20 30 ईयर से चलते गया जैसा ही ये बाकी कॉन्सेप्ट जैसा सोशल मीडिया आ गया तो दिस सेल्स गॉट इन टू लर्न नाउ इज टारगेटेड सेल्स सेल्स तो हमको सबको मालूम है कि सेल्स में कोई चीज को बेचना है हमको कोई सर्विस को बेचना है हमको दैट इज सेल्स नाउ वी हैव कम इन टू अन्सेप्ट जब सोशल मीडिया ने एंट्री की तब टारगेटेड सेल्स आए तो टारगेटेड सेल्स का मतलब क्या है फ्रेंड्स ये एग्जांपल आपने सब ने दिखा अगर आपको सादा एक मोबाइल चाहिए आपको आप गूगल के ऊपर सिर्फ भी एक आग, किसने अगर नहीं एक्सपेरिमेंट किया रहेगा तो आप करो सिर्फ गूगल के ऊपर आपको कौन सा एक मोबाइल चाहिए उसके ऊपर गूगल के ऊपर डाल दो जैसे वन प्लस चाहिए या सैमसंग चाहिए जो भी चीज है तो अगर आपने उसमें डाल दिया उसके अंदर तो आपको फेसबुक पे बोलो यूट्यूब पे बोलो जिधर भी आप जाओगे सोशल मीडिया के अंदर वो सारी जगह पे आपको एडवर्टीजमेंट दिखेंगी क्योंकि दैट एडवर्टीजमेंट इज डन बाय रोबोट तो इसमें सोशल मीडिया भी आ गया इसमें रोबोट भी आ गया So जमेंट हो रहा है एक बैनर बनाते थे और हम लोग पब्लिक के अंदर वो स्प्रेड कर देते थे तो दैट वॉज नॉट टारगेटेड नाउ इट इज टारगेटेड तुमको जो चाहिए वो तुमको मिल रहा है ये एक्सपेरिमेंट करके देखो फ्रेंड्स दिस इज द रिसेंट नॉलेज और ये चीजें जो है अभी काफी बार ऐसा होता है यार कि मैंने एक चीज तो मैंने उसके अंदर मैंने गूगल के ऊपर जब से मैंने टाइप किया जैसा मेरे को अभी कोई कार चाहिए थी तो मैंने जैसा वो कार का टाइप किया मैंने तो मेरे को हर चीज के अंदर मैं जितना भी सोशल मीडिया के अंदर मैं जैसा भी एंट्री करता हूं मुझे वो कार के मेरे को एडवर्टीजमेंट दिखती है दिस इज टारगेटेड सेल्स तो इस तरह से आपको जितने भी आपके पास सोशल मीडिया है वहां पे आपको आपको टारगेट बनाया जा रहा है एंड दैट टारगेटेड ये जो टारगेट आप बन रहे हो एज अ कस्टमर द टारगेट इज डन बाय रोबोट्स फ्रेंड्स तो so नाव हम लोग तीन चीज के ऊपर सीख रहे हो पहला सीखा हमने ई कॉमर्स बराबर है सेकेंड सीखा हमने बराबर है सेकेंड सीखा हमने सोशल मीडिया थर्ड सीखा हमने रोबोट के ऊपर तो यार ये पूरा जो है ये चीजें अभी चेंज हो रही है और ये नॉलेज हमको देना बहुत जरूरी है तो नाव बाय रोबोट्स ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है और नाव आगे का जो पूरा फ्यूचर है फ्रेंड्स दैट इज रोबोटिक फ्यूचर अब ये डिस्क्लेमर यह ऐसा डाला हुआ है इसके अंदर कि द अर्निंग्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स डिपेंड्स ऑन हिज और हर स्किल्स एफर्ट कमिटमेंट लीडरशिप सेल्स कैपेबिलिटीज एंड मार्केट कंडीशन तो ये जो भी चीजें आगे बताई जाएगी आपको ये सारी जो है आपके कैपेबिलिटी के ऊपर और मार्केट कंडीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है वी हैव मेड दिस ओनली एज एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट क्या है वो हमको समझना है अभी जैसा मैंने बताया कि रोबोटिक इन ई कॉमर्स जैसा अभी मैंने बताया ये सारी चीजें अभी कंबाइन हो रही है तो ये ई e कॉमर्स जो है वो किस तरह से आगे सोशल मीडिया को यूज करके रोबोट्स को यूज करके किस तरह का प्लेटफॉर्म जनरेट कर रहा है रोबोट ये हमको देखना बहुत जरूरी है तो अभी ई कॉमर्स क्या है फ्रेंड्स ई कॉमर्स आज टू ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री जो मैंने ऑलरेडी पहले के स्लाइड में आपको बताया नाउ वट इज हैपनिंग देर इज कॉम्पिटिशन फॉर कस्टमर्स देखो जितने भी ई e कॉमर्स आ रही है सबको क्या चाहिए फ्रेंड्स सबको कस्टमर ही चाहिए ठीक है अभी कस्टमर को अगर अट्रैक्ट करना है जैसे अभी दिवाली चालू है ठीक है तो दिवाली में लोगों को मालूम है कि कस्टमर जो है ज्यादा खरीदी करने के लिए जाएंगे तो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना काफी आसान है तो अभी वो क्या करेंगे आपको जितने भी अभी एड्स देखेंगे आप तो आपको ये दिखेगा एड्स कैशबैक इज ऑफर टू कस्टम अभी जैसा समझो मैं खुद एमेजोन हूँ अगर मुझे दिवाली के लिए अगर किसी को ऑफर करना है या मैं सैमसंग हूँ और किसी को मोबाइल मुझे ऑफर करना है तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स बराबर है कुछ तो भी कैशबैक उसके अंदर दिवाली ऑफर करके मैं जनरेट करूंगा लेकिन अगर मैंने टेन परसेंट का भी ऑफर अगर जनरेट किया दैट ऑफर नीड्स टू बी एडवर्टाइज फ्रेंड्स ये ऑफर तुमको या मुझको मालूम कैसा पड़ेगा या थर्ड पर्सन को यह मालूम कैसा पड़ेगा तो जब तक ये एडवर्टाइजमेंट नहीं होगा तब तक ये मालूम नहीं पड़ेगा और मल्टीनेशनल कंपनी जो है अपॉइंट मार्केटिंग एजेंसी टू एडवर्टाइज द ऑफर्स तो जनरली कैसा चलता है हर कंपनी के अंदर एक सेल्स एजेंट होता है एक मार्केटिंग एजेंसी होती है जो ये काम करती है बराबर अभी नाउ दिस मल्टीनेशनल कंपनी जो मार्केटिंग एजेंसी अपॉइंट करती है बराबर है वो उनको उनका जो है कुछ एक परसेंटेज फिक्स रहता है इट इज वन फाइव टू फिफ्टी परसेंट ऑन सर्विस तो इनका कुछ ना कुछ तो भी एक ये रहता है एक टारगेट रहता है वो टारगेट के हिसाब से वो काम करते है और अभी कैसा है कि ये जो ये जो पूरा मार्केटिंग एजेंसी है दिस मार्केटिंग एजेंसी विच वाज ह्यूमंस इन हर कंपनी के अंदर एक मार्केटिंग एजेंसी होती है हर कंपनी के अंदर एक सेल्स होता है हर कंपनी के अंदर एक पीआरओ होता है जो वो कंपनी को आगे लेके जाता है नाउ दिस मार्केटिंग एजेंसी इज रिप्लेस बाय रोबोट्स थ्रू सोशल मीडिया थ्रू टारगेटेड सेल्स नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ रोबोट और मार्केटिंग एजेंसी जैसा मैंने बताया ह्यूमंस और रोबोट के अंदर फिर फर्क क्या हुआ है ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये चेंजेस में एक्चुअली हम लोगों को आगे जाके फर्क क्या पड़ने वाला है एक्चुअली डिफरेंस क्या है तो सबसे बड़ा डिफरेंस है टाइम बाउंड फ्रेंड्स हम लोग आठ से दस घंटे के ऊपर काम नहीं कर सकते रोबोट जो है वो चौबीस घंटा काम करता है सेकंडली हम लोगों को हॉलीडे चाहिए वी नीड अ ब्रेक ठीक है रोबोट ट्वेंटी फोर बाय सेवन काम करता है हमारे में इमोशंस रहते हैं रोबोट में कोई इमोशंस नहीं रहता है ठीक है इमोशन यानी किसी ने अगर नहीं बोल दिया तो हम लोग सेकंड डे जाते ही नहीं है बराबर तो रोबोट्स के अंदर कोई इमोशंस नहीं रहता है हमको रिक्वायर्ड जो ट्रेनिंग्स रहते हैं ट्रेनिंग्स हमको काफी बार लगता है हमको इनको क्या रहता है रोबोट को यू जस्ट नीड टू इंस्टॉल वंस प्रॉपरली एक बार इंस्टॉल कर लिया आपने तो रोबोट अपना काम चालू करता है वी आर फिल्ड विद स्ट्रेस इतना स्ट्रेस है आज मार्केट के रिलेटेड तो हमारे पास वो स्ट्रेस है रोबोट के पास कोई स्ट्रेस नहीं है स्पीड जो है हम लोग फ्रेंड्स टेन कॉल्स पर डे के ऊपर हम लोग नहीं कर सकते कोई सुपर नेचुरल पर्सन रहेगा वो पंद्रह या बीस या पच्चीस कॉल कर सकता है पर डे लेकिन अगर एवरेज देखेंगे कोई भी चीज आप देखो कोई भी चीज आप आपके पास है तो आप टेन कॉल्स के ऊपर पर डे वो चीज के ऊपर आप ये नहीं कर सकते बातें नहीं कर सकते रोबोट्स कैन डू फिफ्टी कॉल्स टू फाइव कॉल्स अ डे ठीक है कंसिस्टेंसी अपने इसमें अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी स्कैन आकर उनके पास कोई अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी नहीं है

तो जैसा मैंने बताया ट्वेंटी थाउजेंड कंपनी के साथ में टाइप है तो ये सारे कंपनी के, तो uh, के साथ में और ये जो कौन सी कौन सी कंपनी है ये कंपनी के सारे डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स अभी सबसे बड़ा रोल है कि जैसा मैंने बताया फोर्थ पॉइंट अभी हम लोगों ने तीन पॉइंट कवर किया ई कॉमर्स कवर किया रोबोट कवर किया सोशल मीडिया कवर किया नाव अभी हम लोग आ रहे रेवेन्यू शेरिंग फ्रेंड्स अभी ये सोच के ठीक है कोई चीज सीखनी नहीं है कैसा सेल्स करने का प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है प्रोडक्ट का इंपोर्टेंस क्या है प्रोडक्ट कौन से कौन से चीज के लिए यूज होता है कुछ भी सीखने का नहीं है ना कोई सेल सीखने का है ना कुछ खरीदना है ना कुछ बेचना है लेकिन जो भी सेल हो रहा है मार्केट के अंदर उसका कुछ रेवेन्यू शेयरिंग अगर आपके पास आता है तो कैसा लगेगा फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स ये नया प्लेटफॉर्म आपके लिए है कि नाउ द फोर्थ पार्ट हैज ग्रोन इनसाइड दैट इज रेवेन्यू शेयरिंग तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स सिर्फ रेवेन्यू देना है जैसा मैंने बताया इ कॉमर्स क्या बोलता है ए uh, आई क्या बोल रहा है इ e कॉमर्स को कि बाबा तुम जो है तुमने रेवेन्यू नहीं डालना है रेवेन्यू हम लोग डालेंगे रेवेन्यू डाल रहे और वो रेवेन्यू शेयरिंग प्लेटफॉर्म बन गया एक एग्जाम्पल देता हूं आपके सामने अगर मर्सिडीज खड़ी की एक कंपनी है जो कंपनी ये टूरिस्ट मर्सिडीज जो है आपके सामने खड़ी की कंपनी बोल रही है कि वो जो टूरिस्ट मर्सिडीज है वो आपके सामने खड़ी है आपके घर के सामने खड़ी है उसके अंदर ड्राइवर का खर्चा कंपनी करेंगी अंदर जो है वो कंपनी करेंगी कस्टमर से पैसा लेना ये भी नहीं मालूम है तो वो भी कंपनी करेंगी पैसा लाके आपको देंगी जितना भी पैसा आप लाएंगे उसमें से फिफ्टी अगर आपको मिलता है फोर्टी अगर कंपनी लेती है तो कैसा लगेगा फ्रेंड्स और आपको करना क्या है इसके अंदर तो आप ये पूछेंगे ना यार ये तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है लेकिन मुझे करना क्या है वो तो बताओ आपको सिर्फ गाड़ी के अंदर पेट्रोल रहना है तो सादा एग्जाम्पल देता हूँ तुमको बॉम्बे से पूना जाना है और बॉम्बे से पूना जाने के लिए आपको जो है वो दो हजार रुपए का पेट्रोल लगता है लेकिन आपका कस्टमर बिठाने का काम कंपनी करेंगी और कस्टमर को लाने का काम भी कंपनी करने करेंगी कस्टमर को पैसा लेने का काम भी कंपनी करेंगी ये सारी चीजें कंपनी करने के बाद में आपको अगर टेन का अगर रेवेन्यू जनरेट होता है वो तो वो यू आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग नाम समझ कर लो ये बात रेवेन्यू शेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट तो जो दस हजार आया उसमें से पांच हजार पांच सौ आपको मिला आपने डाला कितना दो हजार रुपये तो ये प्लेटफॉर्म आज आपके पास आया है तो वो चीज आपको सीखना जरूरी है जैसा आपने जो है अगर आप पूरा अगर इसको अच्छी तरह से समझ के लेते हो तो टोटल तो जितना भी आप रेवेन्यू डालते हो उसका ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव परसेंट आपको जो है वो पर मंथ इसके अंदर से आता है ये मिनिमम बात कर रहे काफी लोग ऐसा है जो फिफ्टी परसेंट सिक्सटी भी जनरेट करते हैं ठीक है तो जैसा काफी लोगों ने जो है वो अलग अलग अमाउंट्स डाले यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 1090 किसी ने डाला तो जैसा भी आपने जैसा अगर 100 भी डाला तो जैसा आपका 135 आपका एक महीने के बाद में जनरेट हो गया जितना भी बड़ा आपका कैंपेनिंग बजट है उतना ही बड़ा आपका रिटर्न है रोबोट क्या करता है रोबोट जो है वो पूरा की पूरा आपका जो कैंपेनिंग बजट नहीं उठाता है वो थ्री टू फाइव परसेंट उठिस का पेट्रोल एक साथ में नहीं उठाएगा वो सिर्फ तीन डॉलर उठाएगा तीन डॉलर यानी दो सौ ढाई सौ रुपए का पेट्रोल पर डे उठाएगा उतना सेल्स जनरेट करके देगा दो सौ ढाई सौ का उठाया तो आपको चार सौ रुपया वो ला के देगा तो इस तरह का जो है वो कैलकुलेशन है फ्रेंड्स ठीक है जैसा अभी आपको अभी दो चीजें याद रखना है अभी इसके अंदर जैसा कोई भी सेल्स होता है ना तो इसके अंदर दो चीजें होती है जैसा मुझे अगर अमेजोन से मुझे कोई शर्ट लेना है ठीक है तो शर्ट लेने के बाद में मैंने खरीद लिया शर्ट लेकिन अमेजोन क्या बोलता है मुझे कि यू हैव डेज मनी बैक गारंटी तो आपको आपका पैसा वापस मिलेगा तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंदर इट इज अप्लाइड एवरीवेयर इसके लिए आपका जो भी, जो भी कंपनी है उसका कुछ ना कुछ तो भी मनी बैक गारंटी कंग में दिखेगा एक बार वो थर्टी डेज फोर्टी डेज क्लियर हो गया तो आपको वो कैशबैक में दिखेगा एंड दिस कैशबैक इज योर मनी ठीक है और जैसा अभी आप देख रहे हो कि ये सारा जो पिक्चर है ये आपको दिखेगा कि ये जो एडवर्टीजमेंट बजट है ये एडवर्टीजमेंट बजट का आपको आपका कितना सेल्स हुआ है आपके कितने विजिटर्स आए और आपका जो है पर डे कितना आ रहा है ये सारी चीजें आपको आपके बैक ऑफिस में दिखेगा ठीक है तो फ्रेंड्स प्रोजेक्ट समझना बहुत जरूरी है प्रोजेक्ट तो फोर में क्या हो गया पहला ई कॉमर्स चीजें आपको इसके अंदर दिख रही है पैसा दे रहे हो प्रोवाइड एज अ रेवेन्यू शेयरिंग वो आपको मिल रहा है फ्रेंड्स तो ये दो चीज हमको समझनी है पैसा आया कहा से और पैसा गया कहा से फ्रेंड्स अगर बड़ा इनकम आपको लेना है तो सिर्फ स्ट्रैटेजी याद रखो फर्स्ट थ्री पुट ऑल योर कैशबैक बैक इन टू रोबोट अगर सच में इसमें बड़ा इनकम लेना है तो पहले तीन महीने जितना भी आपको कैशबैक आ रहा है वो सारा रोबोट के अंदर उसका साइकिल उसका चालू रखो मेक योर रोबोट फ्रंट क्रॉस वन थाउजेंड डॉलर थ्रू कंपाउंडिंग एंड रेफरेंस ठीक है जैसा वन थाउजेंड डॉलर क्रॉस किया आपको पचास से साठ डॉलर जो है वो पर डे आना चालू हो जाता है आफ्टर थ्री मंथस ठीक है थर्टी सेवेंटी फॉर्मूला आप यूज करना है उसको थर्टी सेवन थर्टी सेवन थर्टी परसेंट जो है आप पैसा निकाल लो और सेवेंटी परसेंट रोबोट को वापस दो और एवरेज जो दिख रहा है फ्रेंड आज तक जो हम लोगों ने देखा है विद इन मंथ्स का टाइम जो है आप जितना पैसा डाल रहे हो उतना ही पैसा आप एवरी मंथ निकाल सकते हो आपने अगर दो डॉलर डाला तीन डॉलर डाला तो वो तीन डॉलर तीन चार महीने के बाद में एवरी मंथ आप निकाल सकते हो विदाउट डूइंग नेटवर्किंग अगर प्रोपरली अगर फोकस किया तो

रेफरल अगर नहीं भी करते हो तो भी आप ये प्रोजेक्ट को सिर्फ अगर सीख लेते हो समझ लेते हो ठीक है छोटा मोटा अमाउंट डाल के ये सब चीजें अगर चालू करते हो तो वो कॉन्फिडेंस लेकिन काफी लोग ऐसे है इसके अंदर कि सर प्रोजेक्ट तो मेरे को बहुत अच्छा लगा लेकिन मैंने अगर किसी को रेफर किया तो मुझे क्या मिलेगा तो ये पार्ट टू पे हम लोग आते हैं दैट इज आय

एक जो है उनका एक रीच जो है पब्लिक तक चले गया है जैसा अगर वन करोड़ तक भी अगर चले गया, देखो फ्रेंड्स करोड़ का इंडियन पॉपुलेशन है मैं बताता हूँ वन करोड़ तक भी इनका अगर रीच चले गया फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ सौ रुपए का अगर टिकट है वन करोड़ इंटू सो ठीक है एक करोड़ लोगों ने भी पिक्चर देखा एक हफ्ते के अंदर तो वो हंड्रेड करोड़ पे चल जाता फ्रेंड्स सेकेंड क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूं मैं वाय रिलायंस का नर्न हंड्रेड करोड़ अ डे इन रिचार्ज ऑफ रुपीज टेन सोच के देखो ये जो है ये प्लेटफॉर्म जो है ये सिस्टम किस तरह से काम करता है वो सोचो वो सिस्टम के बारे में तो मैंने पहला पार्ट आपको क्या बताया जैसा मैंने ई ये जो था ना जो फर्स्ट पार्ट नाइनटी सेवन थ्री परसेंट का उसके अंदर आपको जो है वो हाउ द मनी विल मेक यू मनी तुम्हारा पैसा तुम्हारे को पैसे का कैसा डेवलप करके देगा वो पार्ट बताया अभी आपको जो है सिस्टम के बारे में बता रहा हूँ सिस्टम पैसा कैसा देता है फ्रेंड्स तो रिलायंस जो है वो हंड्रेड क्रोजर डे पे कैसा पहुँचता है सिर्फ दस रुपए के अंदर फ्रेंड्स रिलायंस ने किया क्या रिलायंस ने जो जियो मोबाइल जो प्लेस किया पहले तो पांच सौ हजार रुपए के अंदर पहले तो फ्री में सब मोबाइल था एवरी वन गॉट द मोबाइल फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है अभी ये फ्री में लेते लेते हम लोगों को तो काफी अच्छा लगा कि हमने फ्री में लिया लेकिन फ्री में लेते लेते ये जो रीच है वो रीच कहा तक चलेगी फ्रेंड्स फोर्टी करोड़ तक चलेगी अभी आज अगर रिलायंस को आप देखेंगे तो फोर्टी करोड़ का रीच है अभी सोच के देखो कि अगर दस रुपए का भी अगर रिचार्ज किया तो फोर्टी करोड इंटू टेन इट इज अप्रोक्सीमेटली फोर हंड्रेड क्रोर्स आज रिलायंस ले रहा है सिर्फ मोबाइल रिचार्ज सिर्फ दस रुपए की बात कर रहा हूँ मैं तो आज ये समझ के लो आप योर एसेट इज योर पीपल नॉट मनी और लैंड अगर आप बोलेंगे मेरे पास दस एकड़ बीस एकड़ जगह है पचास एकड़ जगह है मैं तो मल्टीबिलियनर हो गया तो फ्रेंड्स वो सिस्टम चले गया है नाउ योर एसेट इज योर पीपल तुम्हारे लोग और कुछ अच्छा देने के बाद में अगर तुम्हारे लोग अगर आपके साथ में हो तो इट इज नथिंग लाइक इट ठीक है तो सेकंड है कि आपके पास कॉन्टेक्ट कितने हैं ठीक है अभी हम लोग आते हैं नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ पे आई एन बी प्लेटफॉर्म है जहां पे हमको रिफर एंड अर्न बराबर है किस तरह से हम लोग रिफर करके किस तरह से हम लोग अर्न करेंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो फ्रेंड सबसे बड़ी चीज हमको जो दी है ये प्लेटफॉर्म ने दी है वो दी है एक फिफ्टी डॉलर्स का गिफ्ट कूपन फ्रेंड्स जब भी किसकी आईडी लगती है तब उसको फिफ्टी डॉलर का एक गिफ्ट कूपन मिलता है यानी उसको एक रुपीस का वाउचर मिलता है एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको आपके पास एक रुपीस का एक का मिनी फ्रिज आपको कंपनी ने दिया है मैं मिनी फ्रिज की बात कर रहा हूँ जिसका कॉस्ट है फोर थाउजेंड रुपीज ठीक है आपके पास सो फ्रिज पड़े हैं घर के अंदर मुझे बताओ आप कितने लोगों को देंगे कितने दिन में देंगे और कौन से लोगों को देंगे ये क्वेश्चन आपसे है आपको फ्री में देना है आपको किसके पास से पैसा लेना नहीं है फोर थाउजेंड रुपीज का कॉस्ट है ये ऑलरेडी हंड्रेड जो है वो हंड्रेड जो है वो कंपनी ने ऑलरेडी आपको दिया है तो कितने दिन में देंगे किसको देंगे और कब खत्म करेंगे वो या तुम्हारे पास ही रखेंगे वो तो सोच के देखो कम से कम आप ये जो दस दस लोगों को भी पर डे दिया तो हंड्रेड लोगों को आप जो है ये फ्रिज आप दे सकते हो तो उसी तरह का फोर थाउजेंड रुपीज का वाउचर आपको कंपनी ने दिया है नाउ अगेन दिन सेम कितने लोगों को देंगे कब तक देंगे तो फ्रेंड्स अगर आपने सिर्फ सौ लोगों का एक लिस्ट बनाया सिर्फ दस लोगों को यह प्रोजेक्ट के एजुकेशन के बारे में बताया किसी के पास से पैसा लेने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स ठीक है जस्ट टेल अबाउट द टेक्नोलॉजी ठीक है टेक द मेल आईडी गिफ्ट ऑफ फ्री टेस्ट ड्राइव पचास डॉलर ये जो टेस्ट ड्राइव आपको मिला है ये टेस्ट ड्राइव उनको भी दो ट्रेनिंग एट थ्री सिर्फ दो चीज आपको करनी है एट थर्टी की मीटिंग तुमको अटेंड करनी है तो ये अगर आप फॉर्मूला अगर यूज करते हो तो फ्रेंड्स कितना फास्ट आगे जाते है ये देखो ये मैं आपको बोल रहा हूँ सामने वाले से पैसा नहीं लेना है तो करना क्या है आपको आपको सामने वाले से लेना क्या है नाम लेना है मोबाइल नंबर लेना है ईमेल आईडी लेना है आपको देना क्या है सबसे बड़ा जो आपके पास फोर थाउजेंड रुपीज का वाउचर है वो देना है आपको और ये जो गिफ्ट कोड है जो आप जिसको दे रहे हो उसके पास भी मल्टीपल चांसेस है वो भी अपने सौ लोगों को ये दे सकता है वो एक प्लेटफॉर्म आपको मिला है फ्रेंड्स इसके साथ में आपको क्या देना देखो फ्रेंड्स लेना कम है देना ज्यादा है

एंट्री इन व्हाट्सएप ग्रुप फॉर अपडेट्स इतना ही काम करो तुम्हारा जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उसकी एंट्री करो और उसको जो वजेक्स लिंक है वो उसको दो या जो भी वो इंडियन एक्सचेंज का कोई लिंक है वो उसको दो इतना ही फ्रेंड्स लेना कम है देना ज्यादा है ये ये समझ के लो ठीक है बेनिफिट क्या है उसके अंदर आपको जो है उसमें तीन टाइप का इनकम मिलेगा वन इज डायरेक्ट इनकम जिसको हम लोग पीआरटीएन बोलते हैं वन इज इनडायरेक्ट इनकम जिसको हम लोग एनबीओ बोलते हैं और एक बहुत बड़ा सपोर्ट एक बहुत बड़ा जो है आपको जो है प्लेटफॉर्म मिल रहा है एक सिस्टम मिल रहा है जो आप शायद थ्री परसेंट कैटेगरी में स्पॉन्सर आप। इनकम आपको बताया मैंने फाइव परसेंट आपको याने जितने भी लोग आप प्रिफर करेंगे आपके गिफ्ट कोड से तो आपको 5%, 5 उसको उसके गिफ्ट कोड के वजह से उसको हुआ है। लेकिन जब वो टॉपअप करेंगे तब तो उसका जो फाइव परसेंट है वो आपको एवरी मंथ आएगा स्पॉन्सर इनकम आई के अंदर आपको फाइव परसेंट से फिफ्टीन परसेंट इज वन डॉलर ठीक है तो जितना भी आपको पीआरटीएन मिल रहा है समझना है उसको आपको उतना डॉलर्स मिल रहा है तो ये पीआरटीएन आज मैं लोगों का देख रहा हूँ जैसा बढ़ता है वैसे ही आपको जो है वो बोनस आना चालू होता है मैं इतना डीप में नहीं जाऊंगा इसके अंदर तो उसका बोनस आना चालू होता है 210 220 friends, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है टू हंड्रेड एंड टेन टू ट्वेंटी क्रोर्स की तरफ जाने की जरूरत नहीं मैं तो बोलता हूँ इसमें से आपको 1% भी अगर हुआ

फ्रेंड्स इतना प्राउड हो रहा है बोलने के लिए कि को ज्वाइन करके हार्डली थ्री मंथ्स हुए थ्री मंथ्स के अंदर मेरा जो पैसिव इनकम है पैसिव इनकम मुझे एवरी पांच और दस लाख की उम्मीद की थी बराबर है वो पैसिव इनकम ये सिस्टम के वजह से वो पैसिव इनकम इतना फास्ट जनरेट हो रहा है कि मैं सोच भी नहीं सक रहा तो ये पैसिव इनकम आता कैसा है ठीक है या तो यह जो बोनस जो है वो आता कैसा जैसा मैंने बताया आपको आई में दो टाइप का इनकम लोग बोनस बोल रहे हैं वो वॉल्यूम्स के ऊपर है जैसा ही आपका जो वॉल्यूम है वो फोर थाउजेंड डॉलर पे चले गया फोर थाउजेंड डॉलर टीम वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ मैं वो हिसाब से आपको जो है वो आपको उसका बोनस मिलता है वो मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ लेकिन आपको जो है वन सी यू क्रॉस वन हंड्रेड डॉलर सेकेंड जो रैंक है मैक्सिमम नेक्स्ट फिफ्टीन डेज हंड्रेड डॉलर और फाइव क्रॉस फाइव हंड्रेड डॉलर यानी जिसका बिजनेस वॉल्यूम जो है वो फोर थाउजेंड डॉलर और एट थाउजेंड डॉलर हुआ है फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है कि आज हमको बोलने मुझे लिटरली बोलना पड़ता है लोगों के लिए मीन पीपल आर देर कि मुझे लाख रुपया पांच लाख रुपया रोड आपके हाथ में गाड़ी आपके हाथ में तो आपको कोई नहीं रोक सकता आगे जाने के लिए तो उस तरह से ये बिजनेस बढ़ रहा है फ्रेंड्स इतना इतना इतनी होती है कि आज इतना अच्छा प्रोजेक्ट मिला है। और मैं तो सच में आपको बताऊंगा कि जितने लोग आज जूम के अंदर क्योंकि 600 लोगों को आज ये देख रहा हूँ पर डे की बात कर रहा हूँ मैं वन थाउजेंड डॉलर पर डे फ्रेंड्स मेरे पास ऐसे भी एग्जाम्पल्स है कि जो लोग बोल रहे सर ये वन थाउजेंड डॉलर मेरा आज खत्म नहीं हुआ और इमीडिएटली मेरे को सेकंड डे वन थाउजेंड वापस आ गया मीन्स लिटरली ही सो कि सर ये क्या है तो मैं उनको एक ही बताता हूँ ये सिस्टम है जो आपके लिए काम कर रही है ये पैसा है जो आपके लिए काम कर रहा है ये वो सपना है जो आपने कभी सोचा था ये वो डिसीजन है जो आपने लिया और इसके वजह से आपने ये चीज हासिल की फ्रेंड्स तो जैसा मैंने बताया वन लाख फिफ्टी थाउजेंड डॉलर का जो है ये भी आपको इसमें दिख रहा है कि वन लाख फिफ्टी थाउजेंड डॉलर जो है लोगों ने अचीव किया फ्रेंड्स कंपनी यहां तक नहीं रुकी है कंपनी कितना देना चाहती है हमको अगर ये चीज देखेंगे ना आप तो आप जो है आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि ये ये स्लाइड में डिटेल में डिटेल नहीं बताऊंगा मैं क्योंकि ये स्लाइड देखेंगे तो पूरा जो है वो अपना जो पाइपलाइन है ब्रेन का बराबर वो काम करना बंद कर देगा तो इतना तक कंपनी देना चाहती है ये अगर ये सारे टारगेट आपने एक एक साल में भी अचीव किए तो सोच के देखो आपका रोबोट का एडवर्टीजमेंट बजट क्या होगा फ्रेंड्स इट इज अनइमेजिनेबल और ये चीजें जब मैं देख रहा हूँ लोगों का आई एम सो हैप्पी जब भी लोगों से बात कर रहा हूँ ये सब चीजें जो अचीवमेंट देख रहा हूँ पीपल आज तक ऐसा है कि मार्केटिंग ऐसा देखा था नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा देखा था कि जब तक तुम लोगों के जेब से पैसा नहीं निकालते हो तब तक तुम्हारे जेब में नहीं आता है लेकिन ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट इन माय 25 इयर्स मैंने देखा है कि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जब तक तुम लोगों के जेब में पैसा नहीं डालते हो तब तक आपके जेब में नहीं आता है तो वो सिस्टम वो आपको सीखना है वो 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 जो है आपको सीखना है वो प्रोजेक्ट है वो आपको सीखना है, है, आपको सीखना है और जैसा, है, जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरह से आपके अगर एडवर्टीजमेंट बजट होते गए तो सोच के देखो ये अमाउंट कितनी है फ्रेंड्स ये भी लोगों ने अचीव किया है इट इज अप्रोक्सीमेटली फोर थाउजेंड डॉलर पर डे यानी यानी, कितना फ्रेंड्स? टली वन करोड़ का इनकम पर मंथ है फ्रेंड्स. लोग यहां तक पहुंचे हैं ये पॉइंट जीरो वन परसेंट की कैटेगरी है जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था तो यहाँ पे आप उंडमीटर डॉक्टर तो फ्रेंड इसके अंदर आपको क्या करना है इसके अंदर फ्रेंड क्या करना है आपको सिर्फ तीन चीजें याद रखना है बराबर है आपको जो है मैंने बताया कि आपके पास कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है फोर थाउजेंड रुपीज का फ्रिज जो है ना वो आपके दिमाग में डालो सो लोगों को जितना जल्दी बांट सकते हैं बांटो फ्रेंड्स फॉर्मूला ऐसा है कि तीस लोग एटोमेटिकली टॉपअप करेंगे रेशियो वही है सेल्स का रेशियो जो वर्क करेगा और इसमें से आपके दस कोर लीडर बनेंगे और ये जो दस कोर लीडर बनेंगे इनके अचीवमेंट्स के ऊपर आप फोकस करो आपके जो नेक्स्ट स्टेप है आप सोच भी नहीं सकते हो कि कितना फस जाएगा तो फ्रेंड समरी एक ही है इसके अंदर फोकस ऑन फर्स्ट मंथ गिफ्ट वाउचर टू पीपल सोना है आपके पास ये ये जो है ये आपके पास सोना है ये जो गिफ्ट वाउचर आपको मिला हुआ है फिफ्टी डॉलर का उसको सोने के जैसे उसको यूज करो उसको घर में मत रखो उसको चमकाओ जितना आप देंगे उतना वो सोना चमकेगा फ्रेंड्स

ट नाउ यू आर द सी ऑफ यूर लाइफ तुम्हारा कोई अपलग तो जैसा मैंने बताया पूरा करता हूं, मैंने अब तक क्या बताया पहली बात सोचो है क्या है? है, तो 3 पे जाना है क्या 3% जाने के लिए आपके पास सिस्टम भी है आपके पास सारी चीजें जो आपके लिए काम करने वाली है आई यू रेडी आपको एजुकेशन लेना है आर यू रेडी अगर आप रेडी हो तो बराबर है वो लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर हम लोग बताएंगे वो अगर आपने यूज कर लिया तो सोच के देखो यू कैन बी A person like Mark Zuckerberg. You can be a person like Jeff Bezos. You can be a person like Ammani because people are getting money like that.